ठाकुर जी आखिरी में जाकर ये भोलेनाथ है और भोलेनाथ आज भी एक रूप में गोपी के रूप में गोपेश्वर महादेव के रूप में सिद्धांत वृंदावन में है। गोपेश्वर महादेव भगवान की जय। गोपेश्वर महादेव भगवान की जय। गोपेश्वर महादेव भगवान की जय। वृंदावन जाइए कभी साथ देखिए गोपेश्वर महादेव जो है ना सोलह श्रृंगार करके उनको सजाया जाता है सोलह श्रृंगार से। और दुनिया का इकलौता मंदिर है जहाँ पार्वती मैया बाहर बैठी है। पार्वती मैया कहती प्रभु अब तो चलो भगवान कहते ना 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 देवी हम तो रास की समाधि में रहेंगे। एक रूप में भगवान आज ही वृंदावन में बैठे हैं और दूसरे रूप में कैलाश चले गए क्योंकि रास माने क्या है। रास माने परमात्मा की भक्ति का रस परमात्मा की भक्ति का आनंद भगवान के प्रेम का रस। और जब जिस चीज में रस आता है ना उसको करने का मन बहुत होता है। जो भगवान की भक्ति का रस जीवन में एक बार पा जाएगा वो जीवन पर्यंत भगवान का नाम कभी भूलेगा नहीं। कुछ भी हो जाए भगवान के बिना अपने जीवन की शुरुआत अपने दिन की शुरुआत नहीं करेगा। और भगवान भी कहते हैं जो प्राणी जो जीव जो मेरा भक्त जीवन पर्यंत मेरी भक्ति करता है मेरा नाम लेता है उसको लेने में स्वयं आता हूँ और अपने साथ उसको अपने बैग में ले जाता हूँ। जय जय श्री राधे। थोड़ा जोर से बोलेंगे सभी लोग जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आप सभी बैठ जाइए ना जरा थोड़ा शांति का नाम दो और भगवान वहां चले गए महाराज परीक्षित बोले बोले पर ये दूसरे की बेटी दूसरे की पत्नी दूसरे की बहुओं के साथ कहां कर रहे हैं। तो स्त्री पर सुखदेव जैसे जाते हैं राजा ये भगवान है ये परमात्मा ये ईश्वर है। भगवान ने जो नृत्य किया वो आत्मा और परमात्मा का है भक्त और भगवान का है वो स्त्री और पुरुष का नृत्य नहीं था। और भगवान चाहे जो भी करे भगवान को दोष नहीं लगता समर्थ को नहीं दोष गुसाई। लेकिन हम और आप भगवान जैसा करेंगे ना तो बहुत सजा मिलेगी। पर भगवान चाहे जो भी करे सच्चे करे स्मरण भगवान कुछ भी करे दोष लगता नहीं। अब देखिए ना भगवान कृष्ण गोवर्धन उठा लिए सात दिन हम उठा पाएंगे पर तक नहीं ना। तो भगवान ने जो कर किया है वो हम कभी नहीं कर सकते क्योंकि भगवान कौन है ईश्वर है परमात्मा है हमारे मालिक। हम कौन है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज भगवान हमारे मालिक है अंश है। अब आप गंगा जी से प्रयागराज जाइए एक लोटा जल लाइए गंगा जल को और वो लोटे का जल आपका कुत्ता जूठा कर दे या पूजा करें तो इससे नहीं ना अपवित्र हो गया। पर वहां देखिए मुर्दे बहते हैं भैंस बहती है कुत्ते बह जाते हैं प्रयागराज में फिर भी वो गंगा पवित्र है क्योंकि वो विशाल गंगा है
लेकिन अंश में जब एक लोटे में एक डिब्बे में आती है छोटी हो जाती है। ऐसे ही परमात्मा कौन है? विराट है, विशाल है, हम उन्हीं के अंश हैं। यदि जो भगवान किए हम भी करेंगे तो क्या होगा? हमको दंड भी मिलेगा, सजा भी मिलेगी, नरक भी जाएंगे। इसलिए राजन जो भगवान ने किया है वो कभी करने को मत सोचो। भगवान तो सच्चर स्वरा भगवान ने तो ये लीला की है। गोपियां कौन है? वेद देवत रहे भगवान की भक्त। भगवान ने अपनी इच्छा पूरी की। जय जय सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परमात्मा की ये लीला हो गई। महाराज हो गया भगवान लगभग 11 वर्ष के हो रहे हैं। आज भगवान जैसे गैया चलाकर आ रहे थे, जो व्यक्ति जो प्राणी जैसा कर्म करता है उसके उसका फल उसको स्वयं होना रहता है। मैं ना बचाता हूं ना मारता हूं, अपने कर्मों का फल व्यक्ति स्वयं भोगता है। मामा जी का घर पूरा भरने वाला मैं जरूर उनका उद्धार करूंगा। और वहां जाकर नारद जी बोले कैसे? अरे भैया भांजे को मारो ना, बुलाओ ना। और नारद जी के कहने पर कंस ने एक मेला लगवाया, धनुष यज्ञ करवाया और श्री अक्रूर जी को वृंदावन भेजा, जाओ कृष्ण बलराम को लेकर आओ। तो अक्रूर जी महाराज वृंदावन गए कन्हैया को और बलराम जी को लेने। जैसे ही मैया यशोदा को रात्रि में पता चला कि मेरे कन्हैया, मेरा ग्वाल, मेरा कन्हैया, मेरे बलराम प्रातः काल चले जाएंगे, सब आंखों में आंसू आए, रो पड़ी। 2 बजे रात थी, कन्हैया तुमको जाने दूंगी नहीं मैं, मैंने तेरा लालन किया, पालन किया, पोषण किया, मेरे प्राण भी कोई ले ले तो मैं दे दूंगी हंस करके, पर मेरा बेटा, मेरा कनुआ, मेरा कन्हैया, मेरा लाला कोई ले जाए मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। भगवान बोले भैया मुझको जाने तो पड़ेगा, मैं जाऊंगा लेकिन जल्दी ही आ जाऊंगा। प्रातः काल हुआ, कृष्ण बलराम उठे, नंद बाबा बोले मैं भी जाऊंगा देवी, चिंता मत करो। जैसे ही जाने लगे तो हजारों लाखों कन्हैया तुम्हें जाने देंगे नहीं, यदि जाना ही था तो हमारे जीवन में आए क्योंकि। भगवान बोले देवियों गोपी यदि मैं ना जाऊंगा तो मेरी आगे की लीला नहीं हो पाई, मुझे लीला भी करना है। भगवान जाने लगे तो गोपियां कह रही है श्याम मथुरा यज्ञ विजातो दरविंद सोको सा
ब्रह्मा विराजी यद एष लोकः। नदोष में हम क्वाखिल हेतु हेतु श्रीमद् भागवत जी का जो श्लोक है अद्भुत श्लोक है, इसमें भगवान की सबसे बड़ी स्तुति की गई है। नदोष में हम क्वाखिल हेतु हेतु नारायण पूरस आद्य इसका सीधा अर्थ है परमात्मा दुनिया में ब्रह्मा जी शंकर जी पूरे देवता सबको ही आदि पूजा करता है। ब्रह्मा विरासी यत एष लोकः। पर आप अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं, आप अपने भक्तों की इच्छा पूरी कर देते हैं। ये मंत्र जो बड़ा अद्भुत है और इस मंत्र को हमने तो बहुत पहले प्रयोग किया था 2011 में विवाह में, शादी में पहले ऊपर इसको लिखवाए हैं हमारे भैया की शादी में, तो 2011 में भागवत सिर्फ बेटी लिए थे उस समय, और ये मंत्र कार्ड में लिखवाए हैं, अपने विवाह में लिखवाए हैं, हमारे यहाँ कार्ड में यही मंत्र घर में भी लिखवाए हैं, क्योंकि भागवत जी का ये मंत्र जो बड़ा अद्भुत है। नतोस में हम तो अखिल हेतु हेतु नारायण पूरस आद्य अव्ययम् आदि अनंत सब कुछ इस श्लोक में बड़ा अद्भुत श्लोक है। भगवान के चरणों में सभी लोग प्रणाम करते हैं, जय जय श्री राम। भगवान आगे गए, मथुरा नगरी पहुंच गए, सब लोग स्वागत कर रहे हैं। माँ मथुरा की माताएं जान जाती है, ठाकुर जी आइए इस दुष्ट का उद्धार कर दीजिए। भगवान रात्रि विश्राम की सुबह घूमने के लिए कपड़े नहीं है, क्योंकि भगवान का नियम है 11 सालों तक भगवान जाए ना तो पैरों या चप्पल पहन ना तो बाल अपने केस के सवाल, नियम है भगवान का, जब तक ब्रजवासियों के पास रहूंगा तब तक ऐसे ही रहूंगा, वस्त्र भी अच्छे नहीं है। तो कहते धोबी घाट पहुंच गए, बोले मामा जी मामा जी मामा जी वस्त्र दे दो। तो कहते भगवान को मारने दौड़ा रे बिया चढ़ाने वाले महाराज कंस के कपड़े पहने हुए, तो भगवान ने आज उसका उद्धार कर दिया। भगवान स्वयं कपड़े ले लिए, दर्जी के यहाँ गए टेलर के यहाँ गए, भगवान ने कपड़े सेट करवाए, खूब आशीर्वाद दिए, जाओ तुम्हारे यहाँ से सब कुछ शांति होगी। देखिए कपड़े का व्यापार कितना चल रहा है, भगवान ने आशीर्वाद दिया सिलने वाले को, भले ही लोग रेडीमेड कपड़े लेते हैं पर सिलता तो कोई होगा, तो दर्जी जो है सिलने वाले उसको भगवान ने कहा तुम्हारे यहाँ खूब तरक्की होगी। इसके बाद भगवान कहाँ गए, सुदामा नाम के मालिक के यहाँ गए। अब कंस को भगवान मारने के लिए जा रहे हैं, सारे ग्वाल वाल भी हैं, बाबा नंद लौट आए, अब कन्हैया जैसे ही आए गए सुदामा माली ने माला पहनाई, कुबलिया वीर नाम का हाथी लगा दिया कंस ने, शराब पिला दिया, मार देना दोनों भाइयों को। अब जैसे ही प्रभु मार्ग में आगे पहुंचे तो कौन आ गई, सैरंध्री, सैरंध्री माने कुब्जा, कुब्जा आई, बड़ा सुंदर चंदन लगाती है, लकड़ी वाला चंदन, केसर वाला चंदन, गुलाब जल वाला चंदन कंस को लगाती है। तो भगवान क्या कहते हैं, हे देवी हे सुंदरी क्या आप हमें चंदन लगाओगे, तो आंखों में आंसू नहीं होंगे। क्या बोलती है पूजा, अरे ठाकुर जी मैं इतनी बड़ी हो गई, लोग मेरे को आज तक सुंदरी नहीं बोले, लोग मुझे गुज्जा बोलते हैं, कुबड़ी बोलते हैं, काली बोलते हैं, कंकी बोलते हैं, सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, पर आपने मुझे सुंदरी क्यों कहा। भगवान कहते हैं आप हमारे दृष्टि में सुंदर हैं। ठाकुर जी कहते कभी किसी को बुरा मत बोलो, कोई काला हो तो है आप मत बोलो, कोई अंधा है तो अंधा क्यों बोलते हो, अंधा तो बेचारा वैसा भी है, आप बोलते और दुखी क्यों करते हो, कोई लगड़ा है विकलांग है उसको क्यों बोलते हो तुम लगड़े हो, भैया पहले ही भगवान ने उसको कमी कर दिया है। आंखों में आंसू आ गए, भगवान ने चंदन लगाएंगे ब्रजी ठाकुर जी, और भगवान को बड़ा सुंदर चंदन लगाइए, बड़ा सुंदर चंदन, और जैसे ही चंदन लगा भगवान को भगवान ने क्या किया, भगवान उसका स्पर्श किए, स्पर्श मात्र संसिद्धि, स्पर्श करते ही बड़ी सुंदर बन गई, दिव्य बन गई, क्योंकि भगवान जो बोलते हैं वो सत्य होता है। भगवान ने कहा था सुंदरी, तो वो सुंदरी बन गई, सुंदर बन गई। आगे गए तो भगवान ने हाथी का उद्धार किया, अब उस रक्त महल में पहुंच गए जहां पर क्या है, धनुष रखा हुआ शंकर जी का, कंस ने पूरी तैयारी करा दी, दोनों भाइयों को मार दो। तो भगवान जैसे ही प्रवेश कर रहे हैं उस रंग महल में तो क्या है, क्या लिखा है,
बुद्धिमान है। उद्धव भगवान बोले कन्हैया तुम भोजन क्यों नहीं करते, तुम रोते क्यों रहते हो, तुम बोलते क्यों नहीं, तुम हंसते क्यों नहीं, तुम्हारे आंखों में उदासी क्यों है, तुम तो हंसाने वाले हो, ये क्यों रोते हो। तो भगवान कहते हैं उद्धव छोड़ भी चला आया। अब यहाँ आने के बाद मुझे न मक्खन न मिश्री न भोजन कुछ भी अच्छा लगता नहीं, क्योंकि मैं क्या हूँ, विश्वास खाती हूँ, मुझे अपने आप से ग्लानी हो गई है। भगवान के आंखों में आंसू आ गए। उद्धव जी कहते जाओ मिल के आ जाओ, वृंदावन से मथुरा की दूरी कितनी है, 7 किलोमीटर, अब टूट गए हैं, जाओ ना भैया मिल के आओ, खुद मिलाओ। भगवान कहते मैं चाहता हूँ मेरा दूध बनकर तुम जाओ, जाकर के गोपियों से मैया यशोदा से नंद बाबा से कहना मैं अच्छा हूँ, मेरी याद कर किया करे, मैं हमेशा उनकी याद करता रहूंगा, जब समय मिलेगा तो जरूर आऊंगा, या तो आऊंगा या तो बुला लूंगा। तो उद्धव जी कहते जाते हैं ब्रज में, ब्रज की ओर जा रहे हैं उद्धव जी महाराज, ब्रज की इस विशेष यात्रा में वृंदावन, और वृंदावन जाने के नियम है, वृंदावन जाइए तो हृदय में भक्ति हो, वृंदावन जाइए तो मुख में राधे का नाम हो, वृंदावन जाइए तो सारे विकार सारी दोष सारे विचार छोड़ दो घर में, और केवल क्या सोचो कि हम तो ठाकुर जी से मिलने जा रहे हैं, वृंदावन बिहारी लाल से मिलने जा रहे हैं, और राधे रानी से मिलने जा रहे हैं। सुनिए दो लाइन गा लेते हैं, समय कम बचा है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, जिनको चलना हो खड़े होकर थोड़ा सा लक्ष्मी जी वृंदावन के नाम से बिहारी के नाम से
वृंदावन में संत रहते हैं। वृंदावन में भगवान के अलावा बिहारी के अलावा कौन रहते हैं? संत रहते हैं और भक्त भी रहते हैं। वृंदावन में संत रहते हैं, संत रहते हैं, हाँ भक्त रहते हैं। भी क्या करता है? सिर को झुकाने को दीजी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। जी चाहता है मेरो मन चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। और कभी वृंदावन ना भी जा पावा परेशान मत होना, निराश मत होना। क्यों? वृंदावन वही जाते हैं जिनको ठाकुर जी बुलाते हैं। वृंदावन चाहे कभी ना जा पाओ तो क्या करना? राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाएंगे तो वृंदावन के बिहारी जी घर ही में आ जाएंगे। और वैसे चिंता मत करिए, बहुत जल्द आपको हमारी हमारे विशेष वृंदावन का भाग्य का विशाल आयोजन करना है। कोरोना चला गया है, बढ़िया बहुत दिव्य दर्शन करेंगे वृंदावन में, तो सबको ले चलेंगे। यूट्यूब में लाइव अभी चलेगी अलीगढ़ हमारी पंजाब से लुधियाना से, उसमें उसकी डेट तय हो जाएगी। कब होगी? तो वृंदावन जाइएगा, साथ ही घूमिएगा भी वृंदावन, बढ़िया घुमाएंगे। हमारे भैया घुमाएंगे आपको, वही रहते दिन तक आ गए तो ये घुमाएंगे। कथा सुनिए शाम टाइम, सुबह टाइम घूमना, पूरा ब्रज का एक महत्व बताएंगे, कथा भी सुनाएंगे। तो जाइए तो वहां का महत्व ही जाइए। तो वृंदावन जाने को जी चाहता है, जय जय दुनिया में या तो भगवान का प्रेमी पागल हो जाता है, या तो किसी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, पागल तो भी व्यक्ति का दिमाग खराब हो जाता है, पागल हो सकता है। या तो भगवान का प्रेमी नहीं, भगवान के नाम में भगवान का नाम ले लेते पागल है। पागल करे भक्ति की बहुत बड़ी अवस्था है, लोग दुनिया के मामले में पागल हैं, पर वो असल में भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। मैया यशोदा बहुत रो रही है, सुबह हुआ उद्धव जी महाराज पहुंच गए गोपियों के चरणों में और बोले गोपियों से मिलूंगा भगवान की लीला बताऊंगा। और गोपियां आपस में बात कर रही, क्या कर रही है? हजारों गोपियां बैठी है बीच में राधा रानी, तो एक गोपी दूसरी गोपी से कहती, क्या कहती? लाडली जी, राधे रानी जी, आज रात्रि में ना मेरे सपने में कन्हैया आए, मक्खन चुरा कर भागने लगे, जैसे ही भागने लगे मेरी नींद खुल गई। दूसरी गोपी कहती, नाना ना मेरे भी सपने में तो आए, पर जैसे ही मैंने कान्हा की ओर देखा तो मुझे दर्शन नहीं हो पाए। और तीसरी गोपी कहती, किशोरी जी, अरे वो तो जन्म जन्मांतर को छलिया है, उसकी जो भी होने की है सबसे छली किया है, बाली ने भी मार दिए, राजा बलि ने बेचारा दान देना चाह सब लूट ली, वो जन्म जन्मांतर का छलिया है, उससे जो प्रेम करेगा उसके आंखों में आंसू है। ऐसी बात कर रही गोपियां। तब चौथी गोपी कहती, ना 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 ना, हमारे कन्हैया जैसे भी हो हम तो हर कीमत पे हर प्रकार से उनसे प्रेम ही करेंगे। इतने में उद्धव जी महाराज पहुंच गए। और आखिरी में राधा रानी कहती, गोपियों मेरी सखियों मेरी सहेलियों, आप कन्हैया आपके सपने में आते, पर मेरी रस्म तो ऐसी हो गई है कि सपने गते कांते राधा रानी कहती है, आप लोग धन्य कि आपके सपने में कन्हैया आते हैं, पर मेरी दशा तो ऐसी है कि जब से मेरे भगवान मेरे मुरली वाले मेरे प्रेमी मुझे छोड़ कर गए तब से मुझे नींद आई नहीं, नींद आता नहीं तो सपना आता नहीं, सपना आता नहीं तो क्या बताऊं, और आंखों में आंसू आ गए। उद्धव जी बोले, देवियों गोपियों आपके चरणों में प्रणाम, अरे वो जो कन्हैया है ना वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, आपका कोई प्रेमी मोली नहीं है, वो
कौन है वो? भगवान है, उसका भजन करो। वो ब्रह्म है, परमात्मा है, ईश्वर है, उसे भूल जाओ। गोपियां कहती है लगाए। हमारा जो भी है, जैसा भी है, सब कुछ हमारा कौन है? कृष्ण है, परमात्मा है, गोविंद है, कृष्ण तले कृष्ण बने, कृष्ण ही हमारो हम। आठो या मैं उठो, हमें कृष्ण सो ही कौन। गोपियां कहती है हमारे सब कुछ कृष्ण है, तन मन धन सब कुछ हमारे वही है। आठो या हर क्षण क्या जपनी है? कृष्ण 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 कहले मन मेरे, जन्म कोटि पाप जाए पलके तेरे। तो उद्धव जी को समझ में आए क्या करो। और गोपियां रोई ना, जब गोपियां रोई तो एक सरोवर बन गया। और उद्धव जी महाराज इसमें डुबकी लगाए और 7 महीने तक क्या किए? उसमें पड़े रहे। ज्ञान का अहंकार दूर हो गया, क्योंकि उद्धव जी पढ़े लिखे थे। पढ़ा लिखा व्यक्ति भगवान को, ईश्वर को पहचानने में, जानने में, भक्ति करने में बड़े प्रश्न उठाता है। भगवान ने कहा भैया मुझे पाने के लिए ज्ञान की नहीं बल्कि प्रेम की आवश्यकता है। 6-7 महीने पड़े रहे। 7 महीने बाद जब होश आया तो गोपियों के चरणों में पाए और बोले गोपियों मेरे अंदर प्रेम हो गया, अभी जाता हूँ कन्हैया को भेजता हूँ। जैसे ही भगवान के पास गए तो भगवान क्या किए? तुरंत वहीं पर प्रकट हो गए। बोले वाले कृष्ण लाल भगवान और सारी गोपियां। भगवान बोले उद्धव ना तो मैं राधा रानी को, ना तो मैं गोपी को, ना तो गोपी मुझे, एक क्षण के लिए भी अलग अलग नहीं होते। हम तो तुम्हें तुम्हारे भीतर भक्ति के लिए, प्रेम के लिए हमने ये लीला की। बिना प्रेम लीजे नहीं नटवर चाहे कन्या की बात हो, चाहे व्यापार की बात हो, चाहे परिवार की बात हो, चाहे राष्ट्र की बात हो, चाहे पड़ोसी की बात हो, जिसके पास प्रेम है उसके पास सब कोई है। और जिसके पास प्रेम नहीं है ना, अच्छी वाणी नहीं है, उसके तो भाई बहन पति पत्नी तक में बोल चाल नहीं होता। महाराज कह जाते हैं प्रेम करिए, प्रेमी बन जाएंगे तो दुनिया भी अपनी हो जाएगी। पड़ोसी भी जाने के बाद रोएगा, हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे थे, मीठा बोलते थे, राधे राधे बोलते थे। देखो प्रेम से बोलने में पैसे लगते नहीं है, कोई आ जाए कहीं मिल जाए प्रेम से हो, क्योंकि दुनिया हमारी नहीं, हम तो यहाँ मेहमान मत कराए। जाए से कुछ भी न पास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। जब जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा, क्या होगा? केवल हमारी बातें होंगी, भैया वो ऐसे थे ऐसे थे ऐसे थे ऐसे थे। और अच्छे रहेंगे ना तो हजारों वर्षों तक याद किए जाएंगे, और बुरे रहेंगे तो घर वाले भी बोलेंगे ठीक गया, अच्छे बनिए, प्रेमी बनिए, तो कल्याण हो जाएगा। जय जय श्री राधे। भगवान ने गोपियों को दर्शन दिया, उद्धव जी के मन का वहम दूर हो गए, वो तो प्रेमी हो गए। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा वहां कंस की पत्नी है दो, अस्थि प्राप्त अस्थि मने होता है प्राप्ति, मने होता है प्राप्त होने वाला भविष्य में। यदि मान लो आपके घर में आपके खाते में 1 करोड़ रुपए हैं और आप कहता है ठाकुर जी 5 करोड़ और आ जाए, क्या है इसका मतलब? इसका मतलब आपके दिमाग में, आपका जो माइंड है दिमाग को कंस वाला है, भरोसा एक क्षण का नहीं है कि कल का सुबह देख पाएंगे कि नहीं, और प्लानिंग 10-15 साल बाद की करते हैं। तो अस्थि और प्राप्ति ने बताया कि हमारे पति को कृष्ण ने मार दिया, तो उनका पिता कौन है? जरासंधाय नाम्नाय राजसस्य अमोघम। जरासंध आया, आक्रमण किया 17 बार, भगवान ने हरा दिया। 18वीं बार भगवान क्या किया जरासंध ने?
पंडित जी लोगों को जप में बैठा दिया, महाराज जप करोगे यदि इस बार कृष्ण को हरा दिया इतना पैसा दूंगा आपकी हजारों लाखों पीढ़ियां बैठे बैठे खाएंगी। भगवान कौन है? नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, भगवान ब्राह्मणों के गौ के संतों के ऋषियों के हित से। भगवान बोले ब्राह्मण पंडित जी मारे ना जाएं, इससे अच्छा क्या करें हम स्वयं हार जाएं। तो ब्राह्मणों को बचाने के लिए भगवान स्वयं बोले इस बार तो भाग जाओ। तो जैसे ही 18वीं बार आक्रमण हुआ तो प्रभु क्या किए, बोले ताऊ जी निकलो। बोले क्यों? बोले क्योंकि यदि हम जीत जाएंगे तो बेचारा ब्राह्मणों को मारेगा, बेचारे पंडित जी मारे जाएंगे, ब्रह्म हत्या लग जाएगी, इसलिए हारो इस बार हार जाओ। कभी कभी जीवन में हारने से भी ना क्या होता, बहुत फायदा होता। कभी कभी अपने यहाँ अपने परिवार में घर में पति में पत्नी में बच्चों में पड़ोसी में मित्र में क्या करो, आप भले सही हो सामने वाला गलत हो तो भी अपनी गलती स्वीकार कर लो। जबरदस्ती हार जाओगे तो परिवार बच जाएगा, रिश्ते बच जाएंगे, अहंकार को त्याग दोगे। तो कभी कभी दूसरों को जिताने के लिए अपनों को आगे करने के लिए स्वयं हार जाना स्वयं पीछे हो जाना। भगवान चढ़ गए पहाड़ में, आग लगवा दी, काल यवन नाम का राक्षस आया, मुचकुंद महाराज के माध्यम से भगवान ने क्या किया, उद्धार किया। विश्वकर्मा को बुला कर भैया बढ़िया सा बंगलो बना दो हमारा एक सोने वाला। तो विश्वकर्मा जी ने द्वारिकापुरी में बढ़िया सा पूरा महल सोने का बनाया। बताओ जी कूदो, भगवान वहां से छलांग लगाए तो पहुंच गए द्वारिका। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। द्वारिका का मतलब क्या है? द्वारिका जहां से भगवान के आने का द्वार है, जहां से भगवान के जाने का द्वार है। और सब लोग सो रहे थे तो भगवान ने सोते सोते सबको पहुंचा दिया द्वारिका। अब बलराम जी का विवाह हो गया देवकी जी से, कन्हैया ने सोचा हमारा भी विवाह होने हो चाहिए। तो राजा श्री भीष्म को नामा रुक्मणी मैया कमल से, जो देवी होते हैं देवता होते हैं उनको कोई भी गर्भ धारण नहीं कर सकता, वो स्वयं प्रकृति के रूप में आती हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। रुक्मणी मैया का क्या नियम है? छोटी अवस्था से ही अपने कन्हैया से प्रेम करती, भगवान को अपना पति मानती, क्योंकि वो तो जन्म जन्मांतर की पत्नी है। और भाई बड़ा खतरनाक, कोई कोई भाई होते हैं बड़ा भाई जो है कहता तुम्हारा विवाह अपने मित्र से करवाऊंगा, शिशुपाल से करवाऊंगा। पर मैया क्या करती, मैया तो भगवान को पति मान चुकी है। एक दिन अपने भाभी से बोली, भाभी मेरा विवाह तो भगवान से होना चाहिए, यदि मेरा विवाह शिशुपाल से हुआ तो अपने प्राण दे दूंगी। तो बोली प्रेम पत्र लिख दो। तो मैया ने बड़ा सुंदर श्रीमद भागवत जी में भगवान से क्या की प्रार्थना और एक पत्र लिखी, और पत्र लिख करके पंडित जी के पास, पंडित जी के हाथों से ब्राह्मण के हाथों से भेज दी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। पंडित जी पहुंच गए भगवान से, बोले प्रभु मैं आपका पत्र लेकर आ रहा हूँ। श्री रुक्मणी मैया का पत्र ब्राह्मण जी ने पढ़ना शुरू किया। मैया कहती है श्रुत्वा गुणा सकल भूम मन सुंदरम के, मैया लिखते प्रभु मैंने आपके बारे में सुना है, मैंने आपको देखा नहीं है जाना नहीं, मैंने आपको सुना है। सुनना मतलब भगवान की पहली भक्ति कौन सी है, श्रवणम कीर्तनम मिश्रणो, यानी मैया रुक्मणी भगवान की बहुत बड़ी भक्ति, प्रभु आइए उससे विवाह कर लीजिए, नहीं तो मेरा बड़ा भाई है राक्षस से शिशुपाल से मेरा विवाह करवा देगा, और यदि मेरा विवाह किसी और से हुआ तो मेरा क्या होगा, प्राणांतम जयस्यस्य, अपने प्राणों का अंत कर दूंगी। तो भगवान बोले पंडित जी चलो हम भी चलते हैं। अब दाऊ जी पूछते कहाँ जा रहे हो कन्हैया, तो कन्हैया क्या बोलते, बोलते बस दाऊ जी वहीं जा रहे हैं। दाऊ जी समझ गए, सेना लगा दी, इतना प्रेम भाई भाइयों में, दाऊ जी पीना कहे सेना लगा दी, मालूम है कि लड़ाई होगी। अब भगवान पंडित जी के साथ पहुंच गए, वहां मैया रुक्मणी को 10,000 सखियां क्या करती हैं,
सोलह श्रृंगार करके मैया कात्यायनी की, मैया गौरी का पूजन कराने आ रही है। सोलह श्रृंगार करके आइए हम लोग भजन के माध्यम से मैया की उसी पूजन में चलते हैं। बस 10 मिनट और चलेगी, 10 मिनट विवाह यही संपन्न होगा। पंडित जी राधे राधे, जय श्री राधे। आओ मेरी ससुरियो मुझे लगा दो, मेरी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी ससुरियो मुझे मेरी लगा दो, आओ मेरी ससुरियो मुझे मेरी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति अधूरी माने जो तीन काम भक्ति के, पहला भक्ति का लक्षण ताली, दूसरा है भगवान का मुंह से गुणगान करना, तीसरा यदि दो काम ना भी कर पाए तीसरा कर ले केवल भगवान की भक्ति में नाच ले तो कहते पूरी भक्ति मानी जाती, संपूर्ण भक्ति यस्य नित्यं चैव नित्यकम्। आओ मेरी सखियों मुझे लोकेश भैया।